हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबीसी ऑफ गार्डनिंग एंड ऑल। और सभी को ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। अब गर्मियों का मौसम आ रहा है तो हम बात करेंगे गार्डेनिया या सुगंधराज के बारे में। ये जो है, ये मेरे सामने जो एक ये प्लांट रखा है, ये सिंगल पेटल्ड है, इसमें सिंगल पेटल फ्लावर आता है। और एक है मेरे पास में जिसमें डबल पेटल्ड आता है, ये जिसे हाइब्रिड गंधराज को भी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कभी भी पौधा लेकर आते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, या तो उसे लेट कहना चाहिए, विंटर्स में लेकर आइए या फिर लेट रेनी सीज़न में लेकर आइए। तो जब तक इसका सीज़न आएगा तब तक ये अपनी जड़ जमा चुकेगा। जो गार्डेनिया का प्लांट है, इसमें जब ये 1 से 2 साल पुराना आता है, हो जाता है, तभी इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। और अब हम बात करते हैं कि इसके लिए मिट्टी कैसी बनानी है। तो आप जो है बजरी कोकोपीट और पुरानी जो गोबर की खाद होती बहुत अच्छे से बनी हुई, उसको बराबर बराबर मात्रा में मिला लीजिए, क्योंकि इसे पोरस सॉइल चाहिए होती है। और उसमें आप अपने प्लांट को लगाइए, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो आप कभी भी इनको लगाते हैं, गमलों में आप लगाते हैं, तो इसके लिए बड़ा सा गमला लीजिए आप। और यदि आप ज़मीन में लगाते हैं तो 2 फीट बाय 2 फीट का गड्ढा आप खोद लीजिए और उसकी पूरी मिट्टी निकाल के पहले अपनी उसमें पॉटिंग सॉइल डालिए और फिर उसके बाद में आप जो है इस प्लांट को लगाइए। देखिए, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत जल्दी इसकी पत्तियां जो है पीली पड़ जाती हैं। ये बहुत हैवी फीडर होता है, इसको नाइट्रोजन और आयरन जो है वो बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप महीने में कम से कम 2 बार इसमें खली की खाद दीजिए। यदि नीम खली है वो डाल दीजिए, सरसों की खली है वो भी आप डाल सकते हैं, जो भी खली आपके घर के आसपास मिलती है उसे आप डालिए। और दूसरा जो है, यदि आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप सबसे अच्छा है कि महीने में 2 बार आप इसे गाय के गोबर की खाद दीजिए। गोबर की खाद जो है वो NPK रिच होती है, तो उनमें बहुत सारे माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो आप इनमें वो भी डाल सकते हैं। उसकी कंपोस्ट टी भी बनाइए, उसको फॉलियर स्प्रे भी कीजिए और उसको आप जड़ों में भी दीजिए। तो जितना आप इसे देंगे उतना अच्छा ये प्लांट होगा। और अब हम बात करते हैं इसको सनलाइट कैसी चाहिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा धूप में यदि आप इसे रखते हैं तो ये जो है इसकी पत्तियाँ भी जल जाती हैं और इसके फूल भी बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इसे ऐसी जगह रखिए जहाँ पर दिन भर की धूप छांव इसे मिलती रहे और एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा है। दूसरा, जब आप इसे ज़मीन में लगाते हैं तो इसके आसपास कोई भी ग्राउंड कवर पौधा मत लगाइए, इसे खुला रखिए और दीवार से इसे दूर रखिए, क्योंकि इसे बिल्कुल भी कैल्शियम नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पानी डालते डालते दीवारें गीली हो जाती हैं, जिससे उनके पानी के साथ में थोड़ा थोड़ा उनका पेंट भी बहकर आता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि कैल्शियम एक ऐसा एलिमेंट होता है जो नाइट्रोजन और आयरन को कंबाइन कर देता है, जिसकी वजह से ये दोनों एलिमेंट इस प्लांट को नहीं मिल पाते और उससे इसकी हेल्थ और फ्लावरिंग पे इफ़ेक्ट आता है। दूसरी बात, अब हम करते हैं कि इसकी जो मिट्टी है वो हमेशा आप कोशिश कीजिए कि मॉइस्ट रहे, बहुत ज़्यादा आप मत डालिए। यदि बहुत ज़्यादा नमी बनी रहेगी इसमें, हल्का हल्का मॉइस्चर बना रहना चाहिए। वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल तो हम वैसे भी बना रहे हैं, और यदि इसमें ज़्यादा पानी आप डालेंगे तो इनकी जो रूट में है फंगस अटैक हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी कलियां जो हैं वो पूरी झड़ जाएंगी। और जब कभी भी आप इसे एक पॉट से दूसरे पॉट में ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि मॉइस्चर बना हुआ रहना चाहिए इनकी जड़ों में। और दूसरा, आप इसे ढक के रख दीजिए 10-12 दिनों के लिए, और फिर उसके बाद में जब आपका ये प्लांट जड़ पकड़ ले तो उस समय आप इसे हल्के हल्के धूप छांव में रख सकते हैं। इस प्लांट को आयरन बहुत पसंद है, तो मैंने अपने एक वीडियो में बताया कि आप किस तरीके से दे सकते हैं उसको आयरन। कुछ यदि आपके यहाँ लोहे का बर्तन है तो उसमें रात भर के लिए पानी रख दीजिए, फिर आप उसे दे दीजिए। और यदि वो नहीं है आपके पास में तो मुट्ठी भर कीले आप पानी में भिगा दीजिए और उस पानी को इस पौधे को दीजिए। इसे कैल्शियम बिल्कुल भी मत दीजिए, ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि इसे कैल्शियम बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं कि क्या रहता है जब ये प्लांट 1 से 2 साल का होता है, तो इसमें बहुत जल्दी जल्दी फ्लावरिंग होती है।
तो उस दौरान जो है उस समय इसको नाइट्रोजन और पोटासियम और फास्फोरस की बहुत अधिक मात्रा चाहिए होती है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कंपोस्ट टी बना लीजिए, गोबर की कंपोस्ट टी बना लीजिए, गाय के गोबर की पुरानी खाद जो रहती है उसकी कंपोस्ट टी आप बना लीजिए, और उसको आप जड़ों में भी डालिए और फॉलियर स्प्रे भी कीजिए। और यदि आपके पास कुछ नहीं है तो सबसे बेस्ट है आप एक बड़ी चम्मच भर DAP ले लीजिए, उसको 4 लीटर पानी में घोलिए, रात भर उसे रखे रहने दीजिए और सुबह उसे जड़ों में भी डालिए और फॉलियर स्प्रे भी कीजिए। तो इससे जो आपका प्लांट है वो बहुत अच्छा रहेगा। यदि खली वगैरह आपके यहाँ मिलती है तो आप खली भी डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि खली जो है सबसे अच्छी होती है नीम की खली, उसमें NPK की मात्रा बहुत हाई होती है। उसके बाद आती है सरसों की खली, और उसके बाद में आपके एरिया में जो भी खली मिलती है आप उसे भी ले सकते हैं, और उसे महीने में 2 से 3 बार इसमें लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हो और स्प्रे भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे अगले नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के बीच में फिर आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।